नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी भी। पूर्वी ने किया जूही मानस से ये वादा, कहा कि उसका हाथी उसे ढूंढ कर लेकर आएगी वो। वेल, यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस तरीके से जब जूही और मानस ने पूर्वी को देखा तो किस तरह से दौड़ कर आए वो पूर्वी के पास। यहाँ पर आपको बताते हैं क्या हुआ। वेल, स्कूल में जब पूर्वी पहुंची तो वहाँ पर जब जूही मानस ने पूर्वी को देखा तो वो दौड़ कर अपनी हाथी के पास पहुंचे और वहाँ पर हाथी को गले लगा लिया, पकड़ लिया उन्हें ज़ोर से और कहा कि तुम मेरी हाथी हो, मेरी हाथी मिल गई है। जिसके बाद पूर्वी कहती है कि कौन हाथी, जिसमें से जूही जो होती है वो कहती है कि जब से तुम गई हो हाथी, बाबा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, बाबा आपको बहुत याद करते हैं, हम सब आपको बहुत याद करते हैं, आप कहाँ चली गई थी, अब हमने आपको ढूंढ लिया है, बाबा आपको देखकर बहुत खुश होंगे, और ये बातें करती है। लेकिन ये सारी बातें जो है वो पूर्वी के समझ नहीं आता, उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये बच्चे हाथी क्यों बोल रहे हैं। जिसके बाद पूर्वी बच्चों को समझाती भी है कि देखो तुमने शायद अपनी जो हाथी है वो कहीं रख दी होगी और उसके बाद वो हाथी गायब हो गया होगा। बच्चे कभी कभी की जो सामान है यानी कि जो अपने खिलौने होते हैं वो कहीं रख देते हैं और इसके बाद वो भूल जाते हैं। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हाथी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी और मुझे यकीन है अगर किसी चीज़ को दिल से मांगा जाता है तो वो ज़रूर मिल जाती है उसे, और आपका हाथी भी मिल जाएगा आप लोगों को। इसके बाद जो जूही और मानस हैं वो कहते हैं कि तुम ही तो मेरी हाथी हो और तुम हमारे साथ चलो। जिसके बाद जो पूर्वी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हंसती है और कहती है कि मैं तुम्हें हाथी लगती हूँ, और इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है। ये अलग बात है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है इस वक्त पूर्वी को, लेकिन वो बार बार ज़रूर इस बात को सोचेगी जब यहाँ से वो जाएगी कि आखिर ये बच्चे उसे हाथी क्यों कह रहे थे। इस वीडियो में बस इतना ही।